थी नवमी नवरात्रि, आज रामनवमी, तो हम लोग सभी फास्ट करते हैं आज के दिन। तो यहाँ पे मैंने पवन जी को इस तरह से भोग लगाया है। तो क्या बना है आज, चलिए आपको बताती हूँ। तो ज़्यादातर जब फास्ट वगैरह रहता है तो हम लोग ड्राई सब्ज़ी, मतलब कि आलू की सब्ज़ी ज़्यादा बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और इसको मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। वैसे ड्राई जो सब्ज़ी है वो अगर फास्ट नहीं भी होता है तो भी हम लोग ज़्यादातर बनाते ही है। और यहाँ पे शकरकंद की काफ़ी टेस्टी खीर मम्मी ने पहले से ही बना के रख दी है। तो मैंने आटा लगा लिया है जो हम लोग फास्ट के लिए फराड़ी पूरी बनाते हैं उसका। और यहाँ पे मैंने सूखी भाजी के लिए तेल चढ़ा दिया है और बस अभी मैंने यहाँ पे हल्का सा जीरा डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च और मीठा जो नीम का पत्ता है उसको डाल दिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है और सारे मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर है, इस तरह के मसाले जो है वो हम लोग डालते हैं। जो है वो फास्ट के लिए जो भी मतलब कि सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो चाहे तो आप वाइट भी बना सकते हो बिना हल्दी की, सूखी भाजी भी काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर हल्दी वाली सूखी भाजी ही बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है क्योंकि सूखी भाजी जो है वो थोड़ी स्पाइसी टेस्ट में अच्छी लगती है। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो अदरक घिस के डाल दूँगी, इससे सूखी भाजी का जो टेस्ट है वो ज़्यादा दुगना हो जाएगा। और ज़्यादातर हम लोग जो है वो फरार के मतलब कि फास्ट के लिए जो सब्जी बनाते हैं वो खट्टी और मीठी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने नींबू का रस भी डाल दिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली है। लाल मिर्च पाउडर जो है वो मुझे और भी कम लग रहा था तो मैंने और भी ज़्यादा डाल दिया है। और बस अभी हमारी जो सूखी भाजी है वो बिल्कुल ही बनके तैयार है। तो इस तरह की जो ड्राई सूखी भाजी है उसको आप चाहे तो दही के साथ या फिर चिवड़े के साथ भी खा सकते हो, काफ़ी मतलब कि टेस्टी लगती है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर इस सब्जी को पूड़ी के साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसको मैंने हरे धनिए से सजा दिया है और बस ये हमारी सूखी भाजी तो बनके तैयार है। अभी इसके साथ खाने वाली जो पूड़ी हम लोग फराड़ी पूड़ी बनाते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे तेल जो है वो चढ़ा दिया है। और बस पूड़ी का आटा मैंने इस तरह से गूंथ के रखा था और इसको हमें हल्का सा मतलब कि ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, इसको इस तरह से हमें बेल लेना है। थोड़ी सी हम मोटी बेलेंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगी। और जो ये पूड़ी राजग्रह की फराड़ी पूड़ी में बना रही हूँ, ज़्यादातर हम लोग इसको किसी व्रत वगैरह में ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन इस राजग्रह को मतलब कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद जो है वो कहा गया है। तो हमें इसको व्रत के अलावा भी खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हेल्दी है। इसमें काफ़ी सारे प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन और कई महत्वपूर्ण मिनरल्स सहित विभिन्न स्वस्थ गुणों से ये भरपूर होता है। तो आप अगर मतलब कि व्रत वगैरह के सिवा भी आप इसको कभी कभी बना के खा सकते हैं। ये जो पूड़ी है वो खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है। और अगर आप चाहे तो पूड़ी की जगह यहाँ पे रोटी भी बना सकते हैं, इसकी भाकरी भी काफ़ी अच्छी बनती है और इसका सीरा भी काफ़ी टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मेरी व्रत स्पेशल पूरी प्लेट बनके तैयार है, अभी हम इसको भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो चलिए मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।